पाकिस्तान तो मोहरा है, सीधे चीन से है मुकाबला। इंडिया के लिए चुनौती, चीन की चक्रव्यूह हुमारा। इंडिपेंडेंट होकर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। चीन के चैलेंज को उसी के अंदाज में जवाब देगा भारत। तोड़ेगा चीन पाकिस्तान का घमंड। ग्वादर बनेगा बरमूडा ट्रायंगल। अरब सागर में डूबेगा पाकिस्तान का प्लान। एनिमी वॉरशिप, डाइव डाइव डाइव। समंदर में साम्राज्य की साजिश होगी नाकाम। ग्वादर के खिलाफ भारत का प्लान सी। नमस्कार, जी न्यूज के खास सीरीज युद्ध आप देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चीन और पाकिस्तान इस वक्त भारत के खिलाफ समंदर में ऐसा साम्राज्य तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके निशाने पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भारत है। चीन अपने शिनजियांग से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, कुछ ऐसी ही जगह जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। और अब रिपोर्ट यह है कि चीन ग्वादर में अपने युद्धपोत तैनात कर सकता है। ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है, नए एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है और अब उसका दखल सीधे सीधे हिंद महासागर में है। चीन हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के एक छत्र राज को चुनौती देने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर वो ग्वादर में अपने जंगी जहाज तैनात करता है तो भारत की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा, क्योंकि चीन की नौसेना जब अरब सागर में तैनात होगी तो समझिए उसका दखल उन इलाकों में बढ़ेगा जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। चीन की नौसेना उस सी ट्रेड रूट पर दखल दे सकती है जो भारत के लिए लाइफलाइन कही जाती है। अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन की नौसेना दक्षिण एशिया में नए तनाव को जन्म दे सकती है। वैसे भी जब चीन को पसंद नहीं कि भारतीय नौसेना साउथ चाइना सी में दखल दे तो वो किस हैसियत से अरब सागर में दाखिल हो रहा है और क्यों वो ग्वादर में अपने युद्धपोत तैनात करके भारत के सामरिक क्षेत्र में दखल दे रहा है और भारत चीन के इस दाव पर किस तरह काउंटर स्ट्रेटजी अपना सकता है, इसके बारे में आपको हम डिटेल में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर चीन और पाकिस्तान के बीच जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो आखिर है क्या और उसकी चीन और पाकिस्तान के लिए अहमियत क्या है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी सचिन के पास, तो दूसरे स्टूडियो में मौजूद है आपको समझाने के लिए। सचिन, शुक्रिया रूबिका, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बहुत जोर शोर से कह रहा है कि जैसे पाकिस्तान का पूरी
तब्दीली हो जाएगी, इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सीपेक का गुण क्यों गाया जा रहा है, सबसे पहले सीपेक है क्या ये थोड़ा समझ लेते हैं। आपको तफसील से बताते हैं कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, तो इसमें सच्चाई क्या है। इसमें लाल रेखा इस कॉरिडोर की दिशा कही जा रही है, जबकि पीली रेखा मौजूदा जो कि समुद्री रूट है उसको दर्शा रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 3218 किलोमीटर लंबा होगा, जो कुल मिलाकर इसकी लंबाई होगी। ये कॉरिडोर ग्वादर और चीन के काशगर के बीच बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से शुरू होकर लाहौर और इस्लामाबाद होते हुए पीओके को पार करके ये चीन को जोड़ेगा। चीन इसके जरिए खाड़ी देशों को और करीब लाना चाहता है, उनके और करीब आना चाहता है इकोनॉमिकली, और इसी के जरिए वो तेल आयात करना चाहता है। अभी चीन को हिंद महासागर होते हुए करीब 16,000 किलोमीटर का समुद्री रूट तय करना पड़ता है, जबकि ग्वादर काशगर रूट पूरा होने पर चीन सिर्फ, यानी कि आप यूं कहिए कि बीच में शॉर्टकट तैयार कर लिया, 5,000 किलोमीटर जमीन पर चलकर अरब सागर में पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर ये चीन और पाकिस्तान के लिए बड़े फायदे का सौदा है, कारोबार के लिहाज से और सामरिक लिहाज से भी बात की जाए तो। रूपिका बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, ये समझाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब जरा तफसील से समझिए कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर कैसे भारत के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे। जाहिर है पाकिस्तान को इससे एतराज नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही अरब सागर में भारतीय नौसेना से घबराया रहता है। ऐसे में चीन के युद्धपोत के तैनात होने पर उसे कुछ हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत मिल जाएगी, साथ में उसे आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान के ग्वादर प्लान का जवाब क्या है। देखिए, आज युद्ध में सबसे पहले भारत की सुरक्षा को लेकर सबसे सुलगते और अहम सवाल पर ये खास रिपोर्ट देखिए। अभी तक अपनी गली में शेर बनने वाली चीन की नौसेना अब अपने पंख फड़फड़ा रही है। जो जंगी जहाज मलक्का स्ट्रेट से आगे बढ़ते हुए 10 बार सोचते थे, अब हिंद महासागर में मंडराने की हिम्मत जुटा रहे हैं। नजरें भारत पर हैं और इस्तेमाल पाकिस्तान को किया जा रहा है। चीन अब सीधे सीधे अरब सागर में दाखिल होना चाहता है। अरब सागर जिसे भारतीय नौसेना अपना आंगन समझती है और देश की सुरक्षा के लिहाज से ये वो संवेदनशील समुद्री इलाका है जहां भारत का दबदबा हमेशा कायम रहा है। रिपोर्ट है कि चीन की नौसेना अपने युद्धपोत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर तैनात कर सकती है, यानी मुंबई से करीब 1200 किलोमीटर और गुजरात के कांडला पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर चीन की नौसेना तैनात रहेगी। ये देश के दो सबसे बिजी बंदरगाहों पर चीन के पहरे की तरह होगी, जो कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट कर सकती है। इंडिया की सिक्योरिटी जो है उस पूरे रीजन से लिंक्ड है, और यहाँ सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ बहुत ही नैरो सेंस में फिजिकल सिक्योरिटी नहीं और स्टेट की सिक्योरिटी नहीं, हमारे वाइटल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के, जो गल्फ कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेड है, कमर्स है, कमर्शियल रिलेशनशिप है, टेररिज्म का इशू है। मामला सिर्फ टेररिज्म का मैं नैरो सेंस में नहीं कर रहा हूँ, आज जो पीरेसी है इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टेररिज्म। बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर बंदरगाह को स्ट्रेटजिकली काफी अहम माना जाता है। शिनजियांग से ग्वादर तक 46 अरब डॉलर की लागत से बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की सुरक्षा को लेकर दोनों देश परेशान हैं। लेकिन यह फिक्र परेशानी से ज्यादा भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश है जिसकी आशंका शुरू से जताई जा रही थी।
देश की सुरक्षा को स्वाभाविक तौर से खतरा होगा और हमारे आसपास के जो इंडिपेंडेंट वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उनमें कभी ना कभी विरोधाभास और टकराव की स्थिति पैदा होगी। अगर चाइना की नेवी ग्वादर पोर्ट पर लगा दी जाएगी, बंदरगाह पर, तो भारत की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या होगा, कैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत उठाएगा, इसके बारे में देश को मोदी जी को बताना चाहिए। हिंद महासागर में अपने युद्ध पोत तैनात करके चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अपने फंदे को आखिरी रूप देने में जुट गया है। अब चाइना अपने जहाज समुद्री पोत ग्वादर में रख सकता है, पोर्ट उसके कंट्रोल में है, तो अब चाइनीज शिप्स को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो तो वहीं बैठे हुए। दूसरा हमारे लिए जो घाटा है कि भाई अगर कहीं फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो चाइना हमारी ऑयल सप्लाई के मुंह के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि ऑयल सप्लाई तो सारी गल्फ से आ रही है और ये गल्फ के बिल्कुल टॉप पे है। तो हमारे जो एक्शंस हैं, जो चीज हो रही है, उसके ऊपर ये इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान आर्थिक रिश्तों और व्यापार को बढ़ावा देने के नाम पर जो साजिश रच रहे हैं, भारत उससे पूरी तरह अलर्ट है। ये एक बहुत टेंशन का की चीज होगी और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये बात फिर सोचनी चाहिए और वहाँ के चाइनीज ने भी नहीं आ सकती। इसलिए आने के मतलब ये है पूरे क्षेत्र में एक नया टेंशन खड़ा हो जाएगा। अमेरिका, भारत, ईरान और अरब देश इस पे बहुत सीरियसली ऑब्जेक्शन करेंगे। चीन और पाकिस्तान का दावा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन को तेल आयात करने का एक सस्ता और नया रास्ता मिलेगा। चीन दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और उसका 80% क्रूड ऑयल मलाक्का खाड़ी से होते हुए शंघाई पहुंचता है, यानी तेल के टैंकर करीब 16,000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जबकि ग्वादर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर ये दूरी 5,000 किलोमीटर तक घट जाएगी। साथ ही पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बाजार तक उसको अपने उत्पाद पहुंचाने में आसानी मिलेगी। यहां तक ठीक था, लेकिन जब से ग्वादर में चीन की उत्पोत तैनात करने की बात सामने आई है, अरब सागर में चीन पाकिस्तान के असली खेल का पर्दाफाश हो चुका है। वहीं पाकिस्तान अब टर्की और चीन से नौसेना के लिए नए फास्ट अटैक क्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें वो ग्वादर में तैनात करेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखें, तो उसके लिए हमको अपनी सर्विलेंस बढ़ानी पड़ेगी। जो नेवी के सर्विलेंस एक्टिविटी है, दैट वुड नीड टू गो अप। एंड जहां हम पीरियोडिक सर्विलेंस करते थे, अब कंटिन्यूस सर्विलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, उसके हिसाब से सर्विलेंस कैन बी स्टेप्ड अप। तो ये है कि हिंदुस्तानी एसेट यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। वैसे अरब सागर में चीनी नौसेना के जंगी जहाजों की तैनाती ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के हितों के लिए भी बड़ा खतरा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अरब देशों से तेल की सप्लाई पर चीन की परछाई भी पड़े। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर अपने मुफाद को डिसाइड करें कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, कंफर्टेशन में है या कोऑपरेशन में है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव पर है या अमेरिका के साथ लग के है, इजराइल के साथ जाने से है या हमें अरबों के जो जेन्युइन गिरवांस हैं उसके साथ आइडेंटिफाई करने से है। तो मेरे ख्याल से बॉल जो है वो इंडिया के कोर्ट में है, यहाँ के हुकूमत के कोर्ट में है कि वो किस तरह से डिसाइड करती है कि फ्यूचर ऑफ कोर्स एक्शन क्या होगा।